हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले पूड़े। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, इसे कुछ दिनों तक हम रख भी सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक पैन में 200 ग्राम हम गुड़ लेंगे, उसको हम एक गिलास पानी का डालकर मेल्ट करेंगे। हम गर्म करके मेल्ट कर रहे हैं, आप इसे ठंडे में भी कर सकते हो। थोड़ी देर इसे दाल में पानी में डाल के रख दो तो ये अपने आप पिघल जाता है। हमारा गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसको ठंडा करेंगे हम। ये हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। जितना हमने गुड़ लिया था उससे डबल हमने आटा ले लिया, यानी कि 200 ग्राम गुड़ में हमने 400 ग्राम आटा लिया। हम अपने आटे में जो गुड़ वाला घोल तैयार किया था वो छान के डाल लेंगे, क्योंकि गुड़ में गंदगी होती है, इसे छानने से ये साफ़ हो जाएगा। अब इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जितना पानी चाहिए हम उतना पानी डालकर धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे, इसे मिक्स करते रहेंगे। हमने इसमें ना ही बेकिंग पाउडर डाला ना ही बेकिंग सोडा डाला, हम इसे थोड़ी सी मलाई डालेंगे, मलाई डालकर बनाएंगे, उससे भी ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। इसका घोल तैयार करने में थोड़ी सी मेहनत होती है, इसे जितना वेट करेंगे उतने ही अच्छे हमारे पूड़े बनेंगे। इसे हम मिक्स करते रहेंगे, ये हमारा मिक्स हो गया, इसे थोड़ी देर तक और फेंटेंगे हम। अब इसमें हम 1 टीस्पून मलाई डाल लेंगे, फ्रेश मलाई। अगर आपके पास ना हो तो आप पानी की जगह मिल्क भी डाल सकते हो इसमें, इससे क्या होता है ये थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। ये कुछ दिनों तक रखेंगे तो भी ये हार्ड नहीं होंगे। हमारा घोल भी तैयार हो गया है, इसमें हमें 1 टीस्पून सौंफ का डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इसे भी मिक्स कर लेंगे हम। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे, तब तक हम अपना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। 15 मिनट हो गए इसको रेस्ट देते हुए, ये अच्छा घोल तैयार हुआ है। अगर आपको गाढ़ा लगे तो फिर इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये बेटर ठीक है। घी को हम चेक करेंगे ये गर्म हुआ या नहीं, इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के इसको देखेंगे। हमने पैन फ्लैट लिया है, नहीं अगर हम कढ़ाई में बनाएंगे तो ये मोटे हो जाएंगे, गुलगुले जैसे बनेंगे, इसमें ये फ्लैट बनेंगे। इसमें हम हाफ हाफ कड़छी इसमें बैटर का डालेंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे और ज़्यादा फैलेंगे, हमने छोटे छोटे बनाने हैं इसके। देखिए ये फूलने शुरू हो गए, इससे पता चलता है ये सॉफ्ट बनेंगे बहुत। एक साइड से पक के तो इसका हम पासा पलट देंगे, इसके ऊपर ऐसे हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको चेक करते रहेंगे ताकि ऊपर से भी थोड़े से बन जाए। अब एक साइड से ये बन चुके हैं, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। कितना सुंदर कलर बना है इसका। अब दूसरी तरफ से भी हम बनाएंगे, हमने घी इसमें कम रखा है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा डालने से ये थोड़े और मोटे बन जाएंगे, ज़्यादा मोटे पूड़े हमें अच्छे नहीं लगेंगे। हम चेक करेंगे दूसरी तरफ से बने या नहीं, हमारे बन चुके हैं दूसरी तरफ से। इसे हम निकाल लेंगे एक छन्नी के ऊपर, इसका पूरा घी निकाल देंगे इसमें से दबाकर, बहुत सारा घी बच जाता है इसमें। इसी तरह से एक बार और हम बना के दिखाते हैं आपको। बैटर थोड़ा ही डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमें।
ऐसे हमने डाल दिया अपना बैटर इसमें। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसको बनाएंगे। एक तरफ से बनने के बाद इसका साइड चेंज कर देंगे, दूसरी तरफ से भी जब बन जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। उसी तरह इसका भी घी बिल्कुल निचोड़ देंगे हम, ताकि इसमें घी ना भरे। इसी तरह से हम सारे बुना के तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट में सजाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।